मिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ उज्जैन पुलिस की मुहिम तेज। कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी मनोज कुमार सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर 30 अपराध व 10,000 का इनामी कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का विराट नगर स्थित मकान धराशायी करने पहुंची पुलिस व नगर निगम की टीम। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल की मौजूदगी में एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी व अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीएसपी पल्लवी शुक्ला, एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, नगर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मंगलवार सुबह विराटनगर पहुंचे। विराटनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का अवैध मकान गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। बदमाश इमरान पर थाना चमनगंज क्षेत्र में 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, साथ ही इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी है। इस कुख्यात बदमाश पर बलात्कार, जान से मारने का प्रयास, चाकूबाजी, जुआ सट्टा, लोगों के साथ मारपीट, रुपए छीनना जैसे अपराध पंजीबद्ध हुए। जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इमरान लंबे समय से फरार चल रहा है। यहां कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी, सीएसपी एके नेगी, निगम उपायुक्त सुबोध कुमार जैन, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, मनीष मिश्रा, राम मूर्ति शाक, प्रकाश वास्कले, मुनेन्द्र गौतम, जेआर बर्डे सहित पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। हिस्ट्री शीटर गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुंडों, बदमाशों व कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी तरह से बरकरार रहे और जो भी गुंडे बदमाश हैं उनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई करी जाए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन के निर्देश भी हैं। हमने पहले से भी गुंडा अभियान चला रखा था माननीय शासन के निर्देशानुसार। उसी क्रम में हम लोगों ने उज्जैन जिले के बहुत सारे ऐसे गुंडों को चिन्हित किया है जिनका शहर में आतंक है, मोहल्ले में आतंक है और जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है ताकि कानून व्यवस्था बन सके और लोगों में गुंडों के खिलाफ भयमुक्त हो सके और भयमुक्त वातावरण बन सके। इसी क्रम में आज हम लोगों ने बिल्ला उर्फ इमरान को चिन्हित किया था जिसके खिलाफ करीब 30 अपराध हैं। इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, रेप, एक्सटॉर्शन, मारपीट का, घर में घुसकर मारपीट करना, इसके खिलाफ जिला बदर भी हो चुका है। अभी मई के महीने में काफ़ी गंभीर इसने अपराध भी किया है। इसके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके खिलाफ रासुका भी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, लेकिन पिछले एक माह से फरार चल रहा था ये। और जब इसकी संपत्ति का पता किया गया तो इसकी पूरी अवैध संपत्ति अवैध कॉलोनी में बनी हुई है। अपने अवैध कामों से गुंडागर्दी के बल पर इसने 2 मंजिला एक घर बनाया हुआ था। सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा 3 शेड अवैध कब्जा किए हुए था। इस तरह का इसको हम पूरी आर्थिक कमर तोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है ताकि उज्जैन शहर में, उज्जैन जिले में अमन चैन और शांति बहाल हो सके और गुंडों के प्रति जो लोगों में भय था उसको समाप्त किया जा सके। सर, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? निश्चित तौर पे हम लोगों ने और कई सारे गुंडों को चिन्हित किया है जो शहर के टॉप गुंडे हैं, उनको चिन्हित किया हुआ है। उनकी सारी गतिविधियां, उनकी आर्थिक स्थिति, कहां से अवैध कमाए, क्या उनका संरक्षण कहां से है, सब हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारी आगे कार्रवाई जारी रहेगी ताकि उज्जैन शहर में एकदम शांति और अमन चैन का माहौल बना सके और मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार एक सुंदर कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित हो सके।